आ रही हैं? चलिए सर जी, शीतल जी आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी सर, आ रही है जी। सवाल पूछिए। हाँ सर, मेरे पास सर दो शेयर की बात करनी है। एक है गार्डन रिच जी, वो 500 के भाव पर सर 100 शेयर है। ओके। और एक है शर्मा SGS, शर्मा SGS, ये 530 के भाव में 200 शेयर है सर। Okay. मैं कह रहा था कि ये चलेगा या फिर उसे सेल करके मुझे एवलॉन टेक्नोलॉजी कैसा लगता है सर, उसे लेनी थी। ओके okay, तो ये गार्डन रीच तो आपका ऑलरेडी इतना चल चुका है, अभी और आपको उम्मीद है चलने की? जी सर, उसी उम्मीद के लिए फोन किया सर। वो चल सकती है क्या, 900 हजार हो सकती है या फिर उसे मैं सेल कर दूं? चलिए तो आस्था मैम, गार्डन रीच शिप बिल्डर 500 रुपये का इनकी खरीदारी है, 800 रुपये हो चुका ऑलरेडी, 300 रुपये पर शेयर का प्रॉफिट है, प्लस सिरमा SGS, ये दोनों इनके पास हैं। इनसे निकलकर ये नए शेयर में निवेश करना चाह रहे हैं, तो क्या लग रहा है इनके चार्ट्स को देख के, क्या बने रहे हैं या निकल जाए इनमें से किसी में? देखिए, गार्डन रीच में तो जरूरत नहीं लगती है, बने रहिए, बेटर रहेगा। चाहे से तो 770 का एक स्टॉप लॉस रख लें, यहाँ से 30-40 रुपए नीचे अगर वो ट्रिगर होता है, उसके नीचे जाने लगता है तो फिर मुनाफा वसूल करिए। बाकी रखने की जरूरत नहीं लग रही है क्योंकि ये थोड़ा सा अभी कंसोलिडेट हो रहा है डेली चार्ट पे, गार्डन रीच बिल्डर्स। और अगर इसने तेजी पकड़ी तो मेरे को लगता है एक बार 820 के ऊपर ये गया तो फिर बढ़िया तेजी एक बार पकड़नी चाहिए, फिर वो 850 से लेके 970 तक के भी लेवल्स दिखा सकता है। तो 820 830 का लेवल इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान रखें, बने रहिए पोजीशन में, 770 का स्टॉप लॉस लगाइए, अभी निकलने की जरूरत लगती नहीं है इस काउंटर से। दूसरा सवाल इनका सिरमा SGS पे था। सिरमा SGS की अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये काउंटर भी वैसे तो ठीक ही लग रहा है, थोड़ा सा वीक हुआ है और इतना तेज हो गया है तो ये एक हेल्दी करेक्शन लग रहा है, प्रोवाइडेड कि कोई नेगेटिव न्यूज रिजल्ट्स की तरफ से ना आए तो। तो मेरे हिसाब से इसमें भी निकलने की अभी तो कोई जरूरत लगती नहीं, बने रहिए। स्टॉप लॉस इसमें जरूर 590 का रखना है, सिरमा SGS की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ। 500 के स्टॉप लॉस के साथ अभी अपनी पोजिशन को उसमें भी कंटिन्यू रखें। इनिशियल टारगेट हमें जो देखने को मिलेगा वो एक बार 670 का रहेगा और उसके बाद फिर और अपसाइड का लेवल दिखाता हुआ नजर आएगा। तो दोनों काउंटर्स को होल्ड रखिए, अभी ना निकलें और स्टॉप लॉसेस के साथ बने रहिए। तो शीतल जी, आप दोनों स्टॉक्स में बने रहिए, सो फार तो कहीं निकलने की जरूरत नहीं है। और बाकी आस्था मैम की ये राय है, बाकी किसी और स्टॉक में नया निवेश करना हो तो, मतलब कोई भी निवेश करना हो नया तो आप नई पूंजी से कर सकते हैं, फिलहाल तो इनमें बने रहिए, राय दी गई आपको। कीर्ति कुमार हमारे साथ मौजूद है केरला से बातचीत।